नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप चैनल से कंसल्टेंट कॉपरेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्लानोग्राम। हर बड़े कंपनी इसको यूज करते हैं टू गेन मोर विजिबिलिटी इनसाइड द स्टोर और आउटलेट। मैं आपको बताऊंगा कि प्लानोग्राम क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों ये प्लानोग्राम होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानोग्राम, और आप इसको कैसे यूज करोगे टू गेन मोर विजिबिलिटी इनसाइड द आउटलेट। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नाउ गेटिंग टू द टॉपिक ऑफ प्लानोग्राम। व्हाट इज प्लानोग्राम, प्लानोग्राम क्या होता है? प्लानोग्राम इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एसक्यूज इन द शेल्फ। शेल्फ के ऊपर एक स्पेसिफिक वे में ब्रांड्स को और एसक्यूज को अरेंज किया जाता है, एक सजावट का तरीका आप कह सकते हो, एंड दैट इज प्लानोग्राम विच इज स्पेसिफिक परमानेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। Why planogram is important? Planogram is important because it is a scientific method. It's a research-oriented method जो कि कंपनी रिसर्च करके फाइंड आउट करती है कि ये सजावट से हमारा दुकान में विजिबिलिटी बढ़ेगा और ऑफटेक भी बढ़ेगा, वहाँ से दुकान से जल्दी हमारा प्रोडक्ट बिक जाएंगे। Let us take an example of अगर आप अपना वार्डरोब सजाना चाहते हो, आप कैसे सजाते हो? कुछ आप हैंग करके रखते हो, नीचे कुछ स्टैक करके रखते हो, क्यों? ताकि नंबर वन योर थिंग्स आर प्रॉपरली विजिबल टू यू, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपको जो चाहिए जल्दी से आपको मिल जाए, एंड ऑल्सो दे आर केप्ट इन अ प्रॉपर कंडीशन। और एक चीज़ है कि आपका जो स्पेस है वो प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर लो, जितना स्पेस है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो। सो दीज आर फ्यू रीजन्स वाई प्लानोग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक तो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द शेल्फ स्पेस, प्रॉपर विजिबिलिटी, एंड ऑल्सो इट इज अ वे इन विच यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बायर, द शॉपर जो आप दुकान में आ रहा है, इन्फ्लुएंसिंग इनडायरेक्टली टू परचेज दैट प्रोडक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्लानोग्राम। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज द सीक्वेंस इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी प्रोडक्ट कंपनी हाईलाइट करना चाहती है टू द शॉपर इनडायरेक्टली इज केप्ट ऑन द लेफ्ट, बिकॉज रिसर्च ये कहता है, साइंस ये कहता है कि शॉपर हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो दैट इज रीजन वाई हाईलाइटेड प्रोडक्ट आर केप्ट ऑन द लेफ्ट, सीक्वेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट। ये हो गया लेफ्ट टू राइट। नंबर टू कॉन्सेप्ट इज ब्रांड ब्लॉक एंड एसक्यू ब्लॉक। व्हाट इज ब्रांड ब्लॉक एंड एसक्यू ब्लॉक? कंपनी के पास हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कोई बिस्किट का कंपनी है, उसके पास हो सकता है ग्लूकोज का एक ब्रांड है, चॉकलेट बिस्किट का एक ब्रांड है, कुकीज़ का एक ब्रांड है, क्रीम बिस्किट का एक चौथा ब्रांड है। सो दीज आर डिफरेंट ब्रांड्स अंडर विच द कंपनी इज सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स। अब जब वो शेल्फ के ऊपर रखेंगे तो कैसे रखेंगे? सारे ब्रांड्स, सारे ग्लूकोज एक साथ, है ना, उसके बाद सारे चॉकलेट बिस्किट एक साथ, सारे क्रीम एक साथ, इस टाइप से रखेंगे। ऑल द ब्रांड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑल्सो, और उसके अंदर भी, ब्रांड के अंदर भी अगर सारे ग्लूकोज एक साथ रखा गया है तो एसक्यूज भी उसके अंदर एक साथ रहेगा। जैसे ग्लूकोज सारे एक साथ है तो उसके अंदर जो 10 रुपया वाला पैक है वो एक साथ रहेगा, 20 रुपया वाला पैक है एक साथ रहेगा, अगर उससे भी बड़ा पैक है तो वो भी एक साथ रहेगा, तो उस ब्रांड के अंदर भी एसकेयू ब्लॉक्स हो जाते हैं, विच इज द बेस्ट वे ऑफ अरेंजिंग द प्रोडक्ट इन द शेल्फ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लानोग्रामिंग। दो टाइप का प्लानोग्रामिंग होता है, जिसमें वर्टिकल प्लानोग्रामिंग होता है और हॉरिजॉन्टल प्लानोग्रामिंग होता है। व्हाट इज वर्टिकल प्लानोग्रामिंग? कुछ कुछ कैटेगरी में आप देखोगे, जैसे कोई चिप्स का रैक रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स का विजी कूलर रखा हुआ है, उसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि जैसे कि मसाला फ्लेवर का चिप्स है, ठीक है, बड़ा वाला पैक जो है वो ऊपर रहेगा, बीच में मिडिल में जो है वो मीडियम साइज का पैक रहेगा वही मसाला फ्लेवर का, और वही मसाला फ्लेवर का 10 रुपये वाला पैक, छोटा पैक जो है नीचे रहेगा। तो यूजुअली इस टाइप का सीक्वेंस होता है, और ठीक टॉप शेल्फ में उसी के बगल में कुछ और फ्लेवर का, जैसे कोई टोमेटो फ्लेवर का, टोमेटो फ्लेवर का हो गया बड़ा वाला पैक ऊपर, मीडियम साइज बीच में, फिर नीचे हो गया आपका छोटा वाला पैक। तो कंपनी भी ये हाईलाइट करना चाहती है, जो शॉपर जो खरीदने जाए उसका आई लेवल में बड़े वाले पैक्स दिखे और वो बड़े वाले पैक्स
खरीदे। अगर कोई न्यू लॉन्च है तो देखोगे वो बीच में रखा जाएगा, वो इज दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लानोग्रामिंग। तो ये स्पेसिफिक एक सजावट का तरीका विच इज वर्टिकल इन नेचर इज कॉल्ड वर्टिकल प्लानोग्रामिंग। कोल्ड ड्रिंक्स का विजिकुलर में भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एकदम कंपनी का विजिकुलर के अंदर आप देखोगे कि उसी टाइप का सजा हुआ है, बड़े बॉटल्स कोला का, फिर बीच में मीडियम साइज का, फिर नीचे छोटा, और वैसे ही आप कोला के बगल में आपको लाइम का मिल जाएगा, फिर मैंगो का मिल जाएगा, इस टाइप का सजा हुआ है। लिकर इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि इसी टाइप का वर्टिकल प्लानोग्रामिंग होता है। आप अगर गारमेंट्स में भी चले जाओगे उसमें भी आपको वर्टिकल प्लानोग्रामिंग दिखाई देगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लानोग्रामिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लानोग्रामिंग में पैक्स जो है साइड बाई साइड रखा जाता है। जैसे आप कोई भी दुकान में अगर चले जाओगे शेल्फ में देखोगे तो पैक्स साइड बाई साइड रखे हुए ब्रांड ब्लॉक और एसक्यू ब्लॉक के हिसाब से। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लानोग्रामिंग। सो दिस वॉज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्लानोग्रामिंग। प्लानोग्रामिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत डेप्थ में आप जा सकते हो, बहुत बहुत कुछ आप सीख सकते हो उसमें से। कैसे विजिबिलिटी करते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी कहते हैं। आप मॉडर्न ट्रेड में चले जाओगे तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरी मॉडर्न ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.